गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो कोई ट्रैवलिंग वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफी सारे लोग ये पूछते रहते हैं, भाई आपको एक्शन कैमरा कौन सा यूज करते हो? तो जी, मैं यूज करता हूँ GoPro Hero 10, जो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था इंडिया में। तो आज की वीडियो में जी हम GoPro Hero 10 का अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करके आपको बताने वाले हैं कैसा रहेगा आपका आपके लिए ये एक्शन कैमरा, क्योंकि जो काफी सारे लोग GoPro Hero 8, 7 और 9 से तो बिल्कुल ही परेशान हो गए थे, तो 10 आपके लिए कैसा रहेगा। और ये रिव्यू कोई ऐसा वैसा रिव्यू नहीं है, आफ्टर 2 महीने यूज करके मैं आप लोग को ये रिव्यू बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोग भी फ्यूचर में मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जी, आप ये देख सकते हो, ये GoPro Hero 10 का बॉक्स है। इसको मैंने जैसे ही इंडिया में लॉन्च हुआ था अमेजोन से तुरंत ही परचेज कर लिया था उसी रात को। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो 2 महीने पहले ही मैंने इसको पूरा ही परखच्चे इसके उखाड़ दिए हैं, फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए केवल मैंने इसको फिर से पैक करा। और जब एक बार फिर से पैक करने में भाई बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले तो आपको ये मिल जाता है GoPro की तरफ से ये बॉक्स। इसमें आप लोग अपना जो भी GoPro से रिलेटेड एसेसरीज है उसको आप लोग हमेशा रखिएगा, हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो चलिए एक एक करके बताते हैं इस बॉक्स में आप लोग को GoPro के अलावा और भी क्या क्या एसेसरीज मिलेगा और कौन कौन से अदर एसेसरीज आप लोग को परचेज करने पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको मिल जाता है ये माउंट करने वाला। इसको हालांकि इसका यूज मैं नहीं करता क्योंकि मैं ऑलरेडी हेलमेट में ही इसका यूज करता हूँ। इसके साथ ही ये भी एक माउंट करने वाला है। ये अगर आप हेलमेट के ऊपर माउंट कर रहे हो ना तो इसका यूज होता है, बट मैं हेलमेट के सामने इसका यूज करता हूँ तो फिलहाल ये भी मेरे यूज का नहीं है। इसके साथ ही आपको मिल जाती है एक बैटरी। तो बैटरी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो आप अगर GoPro Hero 8 यूज करते हो तो उससे ये बड़ी बैटरी है, ये देखिए। और इसका पावर बैकअप भी बहुत ही अच्छा है, जो GoPro 8 है या फिर GoPro 9 है उससे बेटर पावर बैकअप दे रहा है। करीब अगर आप चार्ज करते हो तो 1 घंटा फुल आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लास्ट में आपको मिल जाता है ये GoPro Hero 10। यहाँ पे देखिए GoPro Hero 10 ब्लैक और बहुत ही खूबसूरत इसको डिजाइनिंग वगैरह किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप लोग फ्रंट में भी इसमें स्क्रीन दी गई है, और जो फ्रंट में स्क्रीन दी गई है वो काफी बड़ी दी गई है अगर कंपेयर किया जाए GoPro Hero 9 से। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए ये लेंस दिया गया है जो 23 मेगापिक्सल का है, और पीछे भी आप देख सकते हो। देखिए, मैं इसे पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस रहा। हालांकि जब मैंने इसे परचेज किया था, तो जैसे मैंने इसे परचेज किया था इसके बाद फिर जब मैं इसको चार्ज वगैरह करता था ना, तो अगर आप देखिए इसके अंदर भी बैटरी चार्ज करने का पूरा ये प्रोसेस दिया हुआ है। बट अगर आप लोग इसके अंदर बैटरी चार्ज करोगे ना तो भाई बैटरी हीट होगी, उसके बाद फिर आपका GoPro हीट होगा, फिर वो हैंग करेगा। मेरे साथ भी ये हैंगिंग इशू आ रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको परचेज किया था, तो मुझे लगा कि भाई मेरा ये पीस गड़बड़ है, तो मैंने इसको रिटर्न मार दिया था। फिर रिटर्न मारने करीब 11 नवंबर को फिर से मेरे पास आया, तो फिर मैंने और भी कई जगह रिव्यू वगैरह देखे, पूरा यूट्यूब पे खंगाल डाला, लेकिन ये चीजें आपको कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग GoPro कोई भी यूज कर रहे हो ना तो आपको एक अलग से बैटरी चार्जर लेना पड़ेगा। मैंने उसको परचेज कर लिया, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है डुअल बैटरी चार्जर, प्लस आपको बैटरी इसमें मिल जाएगी। इसको मैं निकाल ही लिया हूँ, अनबॉक्स क्या करूंगा, सीधे आपको दिखा दूं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब हो रहा नहीं जाता। यहाँ पे देखिए ये है, इसमें टाइप सी आपका चार्जर भी लग जाएगा और यहाँ पे आपकी 2 बैटरी एक साथ ऐसे रख के चार्ज हो जाएगी। तो इसे आपको फायदा भी बेनिफिट भी मिल जाएगा कि एक साथ 2 बैटरी भी चार्ज हुए, प्लस आपका जो GoPro भी हीट नहीं होगा ना, बैटरी हीट होगी उसमें करोगे तो बैटरी हीट होगी, इसके बाद फिर GoPro हीट होगा, फिर हैंगिंग इशू आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप भाई GoPro Hero 10 ले रहे हो तो इसके साथ ये आपको जरूरी है, मस्ट नेसेसरी है यार, क्योंकि GoPro की बैटरी यार 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर कोई शॉट अगर आपको लेना है, वीडियो शूट करना, तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो 2 बैटरी मिनिमम आपको रखनी ही पड़ेगी। तो जितने भी प्रकार के हैंगिंग इशू आ रहे थे GoPro Hero 9 में, 9 तो यार सबका दिमाग खराब कर दिया था, तो जितने भी प्रकार के ये हैंगिंग इशू आ रहे थे प्लस माइक का इशू आ रहा था, सब कुछ इसमें अब क्लियर हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई भी हैंगिंग इशू आपको नहीं मिलने वाला है। मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस, ये कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो केवल नहीं है। डब्बा खोलने वाला काम मैं नहीं करता, इसीलिए आफ्टर 2 महीने यूज करने के बाद आपको ये फुल रिव्यू दे रहा हूँ। GoPro में कोई आपको मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं दिया था, तो इसके लिए मैंने ये वाला मेमोरी कार्ड परचेज किया है, SanDisk Extreme। इसमें अगर आप लोग अल्ट्रा वगैरह यूज करोगे ना तो काफी ज्यादा हैंगिंग इशू आएगा। मेरे पास पहले अल्ट्रा और एक और कोई शायद था, उसको मैं यूज करता था,
मेमोरी कार्ड, तो वहां पे बार बार जैसे मैं क्विक एक्शन के लिए ऑन करता था वैसे ही वो हैंग करने लगता था गोप्रो। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको जो मेमोरी कार्ड खरीदना है, यानी कि गोप्रो में जो मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है वो सैंडिस्क, मतलब किसी भी कंपनी का आप परचेज करिए। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम A2 यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर अगर आपको परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हो। बाकी आप लोग स्पेसिफिकेशन तो पढ़ ही सकते हो अमेजोन पे जाकर या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाकर, जैसे कि 23 मेगापिक्सल कैमरा है, इसके 4K में वीडियो रिकॉर्ड होती है, मैं भी 4K 30 FPS ही रखता हूँ। इसके अगर आप सिनेमेटिक शॉट लेना चाहते हो तो आप उसको 5K में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने इसमें अभी बैटरी वगैरह सब कुछ लगा दिया है, मेमोरी कार्ड, चलिए आपको इसको ऑन करके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड आपको एक नीचे जहाँ पे ये 10 लिखा है इसके जस्ट नीचे एक बटन आपको मिलता है, इसको आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये देखिए ऑन हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो। साथ ही सबसे ऊपर यहाँ पे एक बटन और दिया गया है, ये देखिए, यहाँ पे आप लोग को जब भी आप लोग राइड वगैरह कर रहे हो ना तो क्विक एक्शन के लिए है, जैसे इससे तो आप ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इसको ऑन करोगे ना तो एक साथ आप जैसे आप इसको ऑन करोगे थोड़ा सा ही बस आपको प्रेस करना है, ये ऑन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्विक एक्शन के लिए जब आप राइड कर रहे हो तो इसको तुरंत आप इसी से आप लोग को ऑन करना है, इसी से आप लोग को ऑफ करना है, क्योंकि जैसे आप लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके ऑन करोगे वैसे आपका गोप्रो भी ऑन हो जाएगा, प्लस आपका रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जब आपको बंद करना हो इसको आपको थोड़ा सा बस ऐसे प्रेस करना है, इसके बाद ये देखिए ऑफ हो गया, ये देखिए। इसका फ्रंट स्क्रीन मैं ऑलरेडी इसको ऑफ करके ही रखता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए। अगर आप लोग इसको यूज मतलब फ्रंट से ऐसे वीडियो बनाना चाहते हो तो इसको आप लोग ऑन कर सकते हो, अगर राइड कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई बैटरी भी तो बचानी है, बैटरी एक ही घंटे चलती, तो इसको हमेशा मैं ऑलरेडी ऑफ ही रखता हूँ। तो जी, मेरी नज़र में GoPro Hero 10 एक्शन कैमरा के लिए सबसे बेस्ट कैमरा अभी तक का जितना भी GoPro ने लॉन्च किया है, शायद 7, 8, 9 कितना भी हो, आप लोग को अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन कैमरा लेना है तो आप लोग GoPro Hero 10 परचेज कर सकते हो, आप लोगों के लिए बेस्ट एक्शन कैमरा साबित होगा। और इसके साथ अगर आप लोग चाहते हो कि जो मैंने अपने हेलमेट में सब माउंट वगैरह किया है पूरा सेटअप, अगर आप लोग चाहते हो कि इसका भी मैं फुल एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करना। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है भाई तो आप लोग रिसेंटली जितनी भी वीडियो है वो आप जाकर देख ही सकते हो। एक वीडियो मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस 4K में भी पूरा अपलोड किया हुआ, तो उसका भी अगर आप लोग 4K में देखना चाहते हो तो 4K में भी देख सकते हो। बाकी मैं 1180 पिक्सल पे ही पूरा अपलोड करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग 4K में देखते नहीं है, तो फिर 1180 पे ही करता हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की राइड मैं प्लान कर रहा हूँ, तो बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए साइनिंग आउट आवारा राइडर।